नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है आइको न्यूवर 7 Pro 5G। दोस्तों, आपको इस फोन में कई सारे यूनिक और शानदार फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक बेसिक फीचर मिसिंग है इस फोन में और वो है स्मार्ट साइड बार का। मतलब कि साइड बार आपको इस फोन में देखने नहीं मिलता, लेकिन इस फोन में साइड बार मिसिंग है, मतलब कि आप साइड बार का यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन एक ट्रिक है जिसके जरिए आप अपने फोन में साइड बार को एक्टिवेट कर सकते हो। हालांकि साइड बार की 2 लिमिटेशंस है। ये जो साइड बार हम एक्टिवेट करने वाले हैं वो सभी एप्स में काम नहीं करेगा, हालांकि मोस्ट ऑफ एप्स में काम करेगा, और आप इस साइड बार की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाओगे। तो जहां पे साइड बार पहले से प्लेस किया गया है, आप उसी एरिया में साइड बार को एक्सेस कर पाओगे। तो साइड बार को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अल्ट्रा गेम मोड में, गेम साइड बार को ऑन कीजिए। इसके बाद यहाँ पे होगा नीचे गेम पिक्चर इन पिक्चर, इस पर टैप कीजिए और आपको ये ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन इसे ऑन करना है। बैक आइए और नीचे आपको मिलेंगे यहाँ पे गेम्स, तो गेम्स पे टैप कीजिए। आपके फोन में जो भी गेम्स होंगे यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड करना है उन सभी एप्स को जिनमें आप साइड बार को यूज करना चाहते हो। तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। तो जिस किसी ऐप में भी साइड बार सपोर्ट करेगा यहाँ पे उनके नाम आपको शो करेंगे। आप चाहो तो सभी को ऑन कर सकते हो, तो मैं सभी को यहाँ पे ऑन करूंगा वन बाय वन। तो ये जो साइड बार है सभी पॉपुलर ऐप में काम करेगा, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कैनवा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, फोनपे, प्राइम वीडियो, रेडिट, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, टेलीग्राम, ट्विच, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब म्यूजिक और जोमैटो, स्विगी। तो इन ऐप्स में अब आप अपने फोन में साइड बार को एक्टिवेट कर पाओगे। अब आपको उसे यूज कैसे करना है, तो जिन किसी ऐप्स को आपने ऐड किया है आपको उस ऐप को ओपन करना है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे यूट्यूब म्यूजिक में यूज करना है साइड बार को, तो आपको उस ऐप को ओपन करना है। आप जैसे उस ऐप को ओपन करोगे आपको ऊपर में यहाँ पे मिलेगा एक बार व्हाइट कलर का, जैसे आप उस पर स्वाइप करोगे इस तरीके से तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ये साइड बार। तो ये जो साइड बार है ये है गेम का साइड बार, लेकिन आप इसे एज अ नॉर्मल साइड बार यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलते हैं कई सारे टॉगल्स, जैसे कि बैकग्राउंड कॉल्स, लॉक नोटिफिकेशन, रिजेक्ट कॉल्स, मोशन कंट्रोल, गेम डिस्प्ले एनहांसमेंट, लॉक ब्राइटनेस, ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, व्हाट्सएप PIP, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हालांकि अगर आप चाहो तो आप इनमें से किसी भी टॉगल को रिमूव कर सकते हो और इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। आपको कस्टम पे टैप करना है। मान लेते हैं आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो टॉगल है ऊपर प्लेस करना है, तो लॉन्ग टैप करके इसे ऊपर में प्लेस कीजिए इस तरीके से। और अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हुआ तो माइनस के साइन पे टैप करके आप रिमूव कर सकते हो। हालांकि मैं रिमूव नहीं करूंगा, मैं सभी को रखूंगा। आपको डन करना है। तो जिन किसी एप्स को हमने अल्ट्रा गेम मोड में ऐड किया है उन एप्स को अगर आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा ये साइड बार, और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से टैप करके। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आपको टैप करना है। और ये जो फ्लोटिंग आइकन है इसे आप जहां पे चाहे वहां पे प्लेस कर सकते हो, पॉज या स्टॉप कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिन किसी ऐप्स को आपने अल्ट्रा गेम मोड में ऐड किया है ताकि आप उस ऐप में जो साइड बार है उसे एक्सेस कर सको, तो अगर आप उस ऐप को ओपन करते हो और अगर आप उस ऐप में होते हुए 3 फिंगर से इस तरीके से करोगे स्वाइप अप, तो आपको मिलेगा एप्स का पैनल। तो जो भी एप्स आपके फोन में PIP मोड सपोर्ट करते हैं, मतलब कि फ्लोटिंग विंडो सपोर्ट करते हैं, वो सभी ऐप्स यहाँ पे शो करेंगे। और आप चाहो तो एक ऐप में होते हुए दूसरे इस ऐप को ओपन कर सकते हो PIP मोड में, जैसे कि व्हाट्सएप को आप ओपन कर पाओगे इस तरीके से। अगर आपको किसी और ऐप को यूज करना हुआ तो करनी है सेम प्रोसेस, और आपको मिलेगा यहाँ पे एप्स पैनल। आपको किसी भी ऐप को ओपन करना तो ओपन कीजिए और आप इस तरीके से दोनों ऐप को यूज कर पाओगे एक साथ। इसके अलावा आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, ये है मैक्सिमम साइज और ये है मिनिमम साइज। आप इसे जहां पे चाहे वहां पे प्लेस कर सकते हो, इसे मिनिमाइज भी कर सकते हो इस तरीके से, ताकि ये जो ऐप होगा आइकन के फॉर्म में शो करेगा इस तरीके से। फिर जब आपको इसे यूज करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए इस तरीके से, ये शो करेगा। और क्लोज करने के लिए क्लोज के बटन पे टैप कीजिए। तो ये था PIP मोड का फीचर, मतलब कि एक ऐप में होते हुए आप किसी और ऐप को PIP मोड में ओपन कर सकते हो। हालांकि अगर वो ऐप PIP मोड सपोर्ट करेगा तभी यहाँ पे शो करेगा। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि इसमें है बैकग्राउंड कॉल्स। तो अगर आपको कोई भी कॉल आएगा और अगर आप इस ऐप में होते हुए उस कॉल को एक्सेप्ट करोगे तो आपका कॉल नॉर्मली होगा फुल स्क्रीन में, लेकिन अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप अगर अपने कॉल को आंसर करोगे तो आपका कॉल बैकग्राउंड में अटेंड होगा, मतलब कि जो ऐप होगा रन कर रहा होगा, ऐप आपका क्लोज नहीं होगा। इसके अलावा ये है लॉक नोटिफिकेशन। अगर आप इसे ऑन करोगे तो इस ऐप को यूज करते हुए आपको नोटिफिकेशन आएगी तो आपके फोन में शो नहीं करेंगी। हालांकि जब आप इसे स्लाइड डाउन करोगे इस तरीके से कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे शो होंगी, लेकिन सामने जब आप ऐप को यूज कर रहे होंगे तभी आपको मैसेज यहाँ पे शो नहीं करेगा। और ये है रिजेक्ट कॉल। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो इस ऐप को यूज करते हुए अगर आपको कोई भी कॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टाइप से
डीएनडी मोड को ऑन कर सकते हो जब आप इस ऐप को ओपन करोगे, जब आप साइड बार को एक्सेस करोगे। फिर मोशन कंट्रोल ये गेमिंग में काम आएगा तो इसका यूज नहीं है। हालांकि जो लोग ब्राइटनेस है आप उसका यूज कर सकते हो, मतलब कि जो ब्राइटनेस आपने अगर ऑटो पे सेट किया है तो ऑटो पे अगर आपने सेट किया है तो ब्राइटनेस जो होगी बार बार चेंज होती है, आपको पता होगा एम्बियंट ब्राइटनेस के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसे करोगे ऑन लॉक ब्राइटनेस तो आपके अराउंड में चाहे कितनी भी ब्राइटनेस हो, आपने जो ब्राइटनेस पे लॉक किया है इस ऐप को, वही ब्राइटनेस सेट रहेगी इस ऐप में। फिर आगे है ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, तो अगर आप इसे ऑन करोगे और अगर आपने उस ऐप में म्यूजिक प्ले किया है या वीडियो प्ले किया है तो जो ऐप होगा बैकग्राउंड में रन करेगा, आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपके ऐप में जो भी वीडियो म्यूजिक होगा वो चलता रहेगा। जैसे कि इसमें अब म्यूजिक प्ले हो रहा है, आप देखोगे डिस्प्ले ऑफ हो चुका है लेकिन फिर भी म्यूजिक काम कर रहा है, म्यूजिक रन कर रहा है मेरे फोन में। और डिस्प्ले को वापस ऑन करने के लिए आपको करना है स्लाइड डाउन। इस तरीके से आप डिस्प्ले को ऑफ करते हुए म्यूजिक या वीडियो को प्ले कर सकते हो। इसके बाद है व्हाट्सएप पीआईपी, तो आप व्हाट्सएप को शॉर्टकट तरीके से यहां से पीआईपी मोड में ओपन कर सकते हो, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इस तरीके से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और यह है गेम डिस्प्ले एनहांसमेंट, तो अगर आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो या कोई भी वीडियो म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो उसका जो कलर है आप उसे चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले को एनहांस कर सकते हो, आपको उस पर टैप करना है। इमेज क्वालिटी को आप ट्यूनिंग कर सकते हो, तो आपको इसे ऑन करना है, आप देख पा रहे हो आपको कलर में थोड़ा डिफरेंस शो होगा। इसके अलावा आप जनरल फिल्टर को भी यूज कर सकते हो, जो फिल्टर है आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो, आपको इसे ऑन करना है। टिंट कितनी रखनी है, सैचुरेशन कितना रखना है, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस कितना रखना है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग तरीके से। तो आपने जिन किसी ऐप्स को अल्ट्रा गेम मोड में ऐड किया है उन सभी ऐप्स को अगर आप ओपन करोगे तो आप यूज कर पाओगे साइड बार को। तो हमने ऐड किए हैं ये सारे ऐप्स, आप देख सकते हो। तो इनमें से अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा साइड बार का फीचर, आपको उसे एक्सेस करना है इस तरीके से स्वाइप करके। तो ये एक वर्क अराउंड है, एक ट्रिक है जिसके जरिए आप अपने आईको के फोन में साइड बार को इनेबल कर सकते हो। हालांकि एक फुल्ली फीचर्ड साइड बार नहीं है, मतलब कि साइड बार सभी ऐप में काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आईको आने वाले अपडेट में साइड बार को इंप्लीमेंट करेगा, तो आप अपने फोन में फिर ऑफिशियल साइड बार को यूज कर पाओगे। लेकिन तब तक के लिए आपको यूज करना है इस तरीके से गेम मोड वाला साइड बार, जो काफी हद तक साइड बार के सभी फीचर्स को प्रोवाइड करता है। दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने आईको के फोन में इस ट्रिक का यूज करके साइड बार को इनेबल कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो काफी आसानी से इस तरीके से। दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।